मोहतरम, कोशिश कीजिए जो भी करें ना लॉन्ग टर्म सोचे, थोड़े से बेनिफिट का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, इसका क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हम देख रहे होते हैं। जो सा काम करने लगते हैं ना उसका लॉन्ग टर्म देखा जाता है, हमें उसका बेनिफिट क्या होगा लॉन्ग टर्म। ना देखिए ये जो चोरी करते हैं या किसी के साथ गलत काम कर रहे होते हैं, इसका लॉन्ग टर्म नहीं बेनिफिट, नुकसान है इसका। क्या आपने क्या कि आपने ला तोड़ा है, जब आपने ला तोड़ा है, पाकिस्तान के एक आइन तोड़ा है, ला तोड़ा है, तो अब क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो इससे क्या है, हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग टर्म अपने बेनिफिट सोचना है। फ्यूचर के बारे में भी देखिए, हम एजुकेटेड हैं या नहीं है डिफरेंट डिबेट है। अनएजुकेटेड लोग भी तो इतना इतना पैसा कमा रहे हैं ना, एजुकेटेड लोग भी पैसा भी नहीं कमा रहे, वेले बेचारे बैठे हुए। ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप सोच किस टाइप का रहे हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस कितना है, ट्रस्ट कितना है, यू विल डू इट। अपने आप पे ट्रस्ट तो करके देखें ना पहले, फिर ही आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे ना। और ये कोशिश करें ये जो है ना शॉर्ट टर्म इससे दूर हो जाए। देखिए अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए 1,00,000 रुपया मिल रहा है, फिर आप आगे जाके परेशान हो रहे हैं, यार मैं आगे क्या करूँगा, ठीक है ना। इससे अच्छा नहीं, अगर आप 40,000-40,000 रुपया लेके साल में आप 1,00,000 से भी ऊपर पहुँच जाएंगे। ये चीज़ होती है अल्लाह ताला के साथ पे ट्रस्ट रखना, इंशाल्लाह ताला ये मुझे ज़रूर मिलेगा। कोशिश करें आप जो भी काम करने लगे ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, यार इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, ये करने से मुझे कितना बेनिफिट होगा, कितना नुकसान होगा, कितनी इज्जत मिल सकती है, कितनी जिल्लत मिल सकती है, क्या हो सकता है इससे, ठीक है ना। देखिए डॉक्टर्स है ना, अगर बंदा कि यार क्या यार 5 साल में पढ़ पढ़ के पागल हो जाना है, छोड़ यार, उसका लॉन्ग टर्म होता है ना यार, मेरी कम्युनिकेशन होगी लोगों के साथ, मैंने लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना है, मैंने लोगों के लिए काम करना है। अगर मैंने पैसा भी कमाना है तो मेरा लॉन्ग टर्म पैसा है। अगर वो छोटे से 5 साल वाला शॉर्ट ड्यूरेशन छोड़ के कोई और काम के पीछे लग जाए, तो वो डॉक्टर उसे डॉक्टर कोई नहीं कहलाएगा, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और दूसरे डॉक्टर्स नहीं। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, ज़रूर सोचें इस चीज़ के बारे में, जो भी स्टेप्स लेने लगे हैं ज़रूर स्टेप्स लें, लेकिन पहले थोड़ा एनालिसिस कर लें कि इसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है नहीं है, इससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, आप बड़ी इससे मेरे वालदैन को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे बहन भाइयों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए चले ये डिफरेंट डिबेट है, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए अगर आपका कोई इस तरह का काम करने की वजह से आपके छोटे भाई या बड़े भाई को बेनिफिट हो जाता है, आपको क्या चाहिए, दिस इज बेस्ट थिंग टुडे, ये चीज़ बहुत जरूरी है। टेक